जी स्वामी, जैसे बराह राज डॉक्टर हम हाजिर हैं, डिस्कस करेंगे अगेन अगेन सी सी एन डी एटीएम और फॉरेक्स के पेज के ऑल साइड से जो जो लोग हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की चर्चा पर। अच्छा, कल के मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहां से उसकी आई है, तो यहां इसका रेजिस्टेंस ये लेवल है जो कि इसका 28500 का, लेकिन अभी तक मार्केट का जो लेवल पड़ा है वो ये पड़ा है 29400 के ऊपर, जब तक लोग नहीं होते तो आप लोग यहां से मजीद कुछ को बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त बाइंग प्रेशर काफी दूसरी बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये बात आप लोगों ने गौर से सुनी है कि अगर ये एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, और मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब एक दरिया का एक बंद होता है, ठीक है, फर्ज करेंगे बंद है यहाँ पे मार्केट बार बार ये पानी यहाँ पे बार बार जरा जरा लगा और जब इसको ब्रेक करेगा ना बड़े प्रेशर से ब्रेक करेगा, ये बात मैं याद रखिएगा। अगर मार्केट का बायर का रुझान रहा तो इस लेवल का बहुत प्रेशर से ब्रेक करेगा, यहाँ से सेल ना कीजिएगा। जो लोग यहाँ से सेल करें बहुत बड़े पहुंच सकते हैं, मिन मार्केट यहाँ से बस किस तक तक वीक लगा दे, ठीक है, तो हो सकते हैं मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करती है तो फिर भी हम नीचे से बाय का सोचेंगे, जब तक मार्केट 26000 से ऊपर है आपको बोल है मार्केट के अंदर। तो ये एनालिसिस था मेरा आज के इसके ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इथेरियम का, इथेरियम के लेवल निकाल लेंगे। इथेरियम का बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, अगर आप लोग इथेरियम को ट्रेड कर रहे हैं तो इथेरियम मैंने 1100 से आप लोगों को बाइंग कॉल दी, उसके बाद 1300 से अगेन बाइंग कॉल दी, जिन्होंने बाय किया वो प्रॉफिट के अंदर बात होगा, जिन्होंने बाय नहीं किया वो भी इंतजार ही कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा ईथीरियम बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, तकरीबन इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट वही से मेरी आज लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट इसके नीचे है 1680 और मेजर रेजिस्टेंस इसकी तकरीबन 1840 के ही है, तो इसके बाद माइनर सपोर्ट अगर आप लोग इसमें ईथीरियम की बात करेंगे तो 1760 से लेके 1820 तक अगर इसमें कंसोलिडेट करें आप लोग सुकून से बैठे, बीटीसी ब्रेकआउट करते इसके ब्रेकआउट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो सेल के एंट्री आप लोगों ने फाइंड आउट नहीं करनी, बाय होगा तो आप लोग इस लेवल से 1740 के लेवल से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को प्रॉपर यहां से कंफर्मेशन मिल रही है। इसके बाद मिलेंगे जब आपको बीएनडी की जाने और बीएनडी में देखेंगे मार्केट इस किस तरह से बिहेव कर रही है। अच्छा, बीएनडी अगेन तकरीबन 320 लगा चुका है और अभी तक बीएनडी उसी रेंज के ऊपर, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 319 का होगा। स्ट्रक्चर बीएनडी का स्टिल बुल है और अभी साइड में थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है, लेकिन बीएनडी का नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज यहां पे कह रहा हूं कि बीटीसी और इथेरियम को हम कर रहे हैं, बीएनडी क्यों नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई ना कोई लोचा लाजमी है, सबके याद रखे बीएनडी एक्सचेंज का टोकन होता नहीं करता, या तो ये अचानक पंप करेगा या अचानक डंप करेगा, दो चांसेस यहां पे हो सकते हैं, लेकिन डंप ये करता नहीं क्योंकि इसके ऊपर लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं, तो आप लोगों ने मेक श्योर करें यहां से बाय के लिए संभाल के रखने, नीचे जाते हैं बाय के लिए संभाल के रखने, जिन्होंने 310 से ऊपर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टारगेट बीएनडी का 320 हो सकता है अगर मार्केट स्टेबल रहती है। अगर बीटीसी नहीं ब्रेक कर सकता अपने रेजिस्टेंस को तो फिर ये डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें दो दिन से कोई इतना खास वॉल्यूम दिखाई नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी परसेप्शन दोनों अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो चलेंगे हम गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में अच्छा, गोल्ड में मैं भी आप लोगों ने कल मेरी प्रेडिक्शन दी, कल हमने सिर्फ एक बाय की एंट्री की, उसके बाद एंट्री मैंने आप लोगों को नहीं दी, जिन्होंने बाय की इस लेवल से मैंने बाय कराया था प्रॉफिट लूज के, उसके बाद लिक्विडिटी बन गया था, कल क्लोज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिक्विडिटी बन चुकी है मार्केट तो लास्ट में आएगी और मार्केट में ये है मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आ जाएगी। अच्छा, इस वक्त बन क्या रहा है गोल्ड के अंदर, गोल्ड प्लेइंग लाइक एज अ चॉपिंग मार्केट, ठीक है, ये देखिए ये नीचे ऊपर जा रहा है, आप इसको रेजिस्टेंस करके 1972 को और इसको सपोर्ट इसको कंसीडर करें 1955, इसी में मार्केट ट्रेड हो रही है, आज शाम को भी न्यूज़ है, कल भी न्यूज़ है, तो उसमें देख लीजिएगा मार्केट को लेवल ब्रेक करती है तो प्रॉपर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे फिर हम जाएंगे, जब तक मार्केट में डिस्प्लेसमेंट में नहीं हमारा मॉनिटरी जोन है हम ट्रेड करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसी एरिया से सीरियस स्कैल्प कर सकते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया और आज की वीडियो में भी अगेन यही बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जाके आया अपने यूरो को, यूरो में से कल मेरे की एंट्री में मैंने आपको बाय का बोला था इस लेवल से, अच्छा इस लेवल से मैंने बाय क्यों किया, इस रीजन पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा।
ट्रेनिंग करना चाहते हैं एक्सेल एक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट क्रिएट करके आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा आपको स्ट्राइक राजपूत।